नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी मित्रों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मित्रों, सीसी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि आप सभी मित्रों तक हम पठन पाठन की उचित सामग्री उपलब्ध कराते रहें, और पूरे साल भर हम यही कोशिश करते हैं। इस वर्ष भी हम नई उम्मीदों के साथ और नए उद्देश्यों के साथ सीसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी तक पहुँचेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सेशंस के माध्यम से लाभान्वित होंगे। मित्रों, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं हमारे संस्कृत विषय से। आप सभी से साझा करना चाहेंगे, अपने पिछले कुछ सेशन से हम अभिजान शकुंतलम, कालिदास के अभिजान शकुंतलम पर चर्चा कर रहे हैं। दो सेशंस हम आयोजित कर चुके हैं, और आज के इस सेशन में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम कालिदास की अभिजान शकुंतलम पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। अपने पिछले सेशन में हमने एक्ट वन यानी कि अंक वन प्रथम पर चर्चा की थी, और आज हम कोशिश करेंगे एक्ट टू और एक्ट थ्री को सम्मिलित करने की। और इस सेशन के लिए, इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सीईसी के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी तक पहुँचते हैं, और यही नहीं, इनकी यही कोशिश रहती है कि कैसे आप जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को ये तृप्त कर पाएं। मित्रों, अगर आप आज डॉक्टर पंकज मिश्र से प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के विषय संबंधी, तो हम आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-43-0। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-43-0। अब मैं डॉक्टर पंकज मिश्र से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप आज के दिन के प्रथम व्याख्यान को, साल के प्रथम व्याख्यान को शुरुआत दें, इसको एक आगाज दें। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, उमंग और उत्साह से युक्त रहें और अपनी श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करें। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस नूतन वर्ष पे मैं नूतन व्याख्यान लेकर आया हूं, और एक ऐसे नाटक के ऊपर जिसके ऊपर मैंने सर्वाधिक मनन किया है, सर्वाधिक चिंतन किया है, सर्वाधिक विश्लेषण किया है, और किसी न किसी रूप से सर्वाधिक व्याख्यान देने का हमें अवसर मिला है। जैसे ही हमने अपनी पिछली श्रृंखला में प्रथम अंक का विश्लेषण किया था कथा के साथ, उसी प्रकार आज हम लोग सेकेंड और थर्ड एक्ट की टेक्निकलिटी को, उसके प्रयोजन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उनकी कथा और कथा के साथ साथ जो उनके कुछ सर्वाधिक उल्लेख्य पक्ष है हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। तो द्वितीय अंक, जैसा कि हमने प्रथम अंक को जब खत्म किया था, तो दुष्यंत और शकुंतला वहां से अपने अपने कह सकते हैं कि विश्राम स्थल की ओर चले जाते हैं। उसके बाद दुष्यंत के मन में एक निराशा का भाव है कि अपनी प्रिया से उसका पूरी तरह से मिलन नहीं हो गया हुआ है, प्रेम का पूर्ण अंकुरण हो चुका है, अब वो अंकुर जो है वो वृक्ष रूप ग्रहण करने को तत्पर है। द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है विदूषक, जो कि राजा के साथ ही आया हुआ है शिकार करने के लिए, वो विदूषक अपनी कुछ नाराजगी, अपनी कुछ बेचैनी, अपनी कुछ अशक्तता को प्रकट कर रहा है कि दिन रात इस राजा के साथ हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, न खाने के लिए कुछ मिलता है, न पीने के लिए कुछ मिलता है, खाने के नाम पर केवल भुने हुए मांस और पीने के नाम पर नदी में बहने वाले वो पानी जिस पानी में पत्ते सड़ गल पच गए हैं। और इस प्रकार विदूषक अपनी मनोभावना को अभिव्यक्त करता है। स्वाभाविक है, बहुत देर तक दुष्यंत को मंच पे नाटककार अकेला नहीं छोड़ेगा, राजा का प्रवेश दिखवाता है, और राजा का प्रवेश है, ये प्रवेश भांप लेता है विदूषक की दुष्यंत आने वाला है, और इसलिए वो अपना एक हाथ पैर जो है तोड़ मड़ोड़ के अष्टावक्र की स्थिति में वहां एक डंडे के सहारे खड़ा हो जाता है, और इस रूप में खड़ा हो जाता है कि जैसे विदूषक यह अभिनय कर रहा हो कि हमने राजा को देखा ही नहीं। राजा आता है, प्रवेश करता है, राजा की मनोदशा पूर्णतया बदली हुई सी है, न वो शिकार का आनंद है, न ही हस्तिनापुर लौटने का उमंग है, बल्कि उस एक जगह विशेष पर जहां पर कि शकुंतला में उनका मन आसक्त हो गया है, तो शकुंतला को पाने की, शकुंतला को से मिलन की जो उनकी इच्छा है वो बलवती होती जा रही है, और उसका प्रवेश
इस प्रकार होता है, मतलब वो अपने जो प्रथम पद्य है उस प्रथम पद्य के साथ प्रवेश होता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो रति भाव है, काम भाव है, प्रेम भाव है, वह प्रबल दिखाई पड़ रहा है। श्लोक है, कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। मतलब ठीक है, हमें हमारी प्रिया नहीं मिली, लेकिन ये जो मन है, ये मन उसके दर्शन मात्र का के लिए जो है वो आश्वासित है कि पुनः दर्शन होगा। क्यों पुनः दर्शन होगा? क्योंकि अकृतार्थे भी मनसिजे, मनसिज कामदेव के कृतज्ञ ना होने पर भी, अर्थात प्रेम की पूर्ण प्राप्ति ना होने पर भी, परस्पर जो दोनों हैं अर्थात दुष्यंत और शकुंतला, उस प्रेम को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं। और इस प्रकार दुष्यंत प्रवेश करता है, एक सामान्य कन्वर्सेशन होता है, राजा को खूब विदूषक अपने शब्दों में उलाहना देता है, या यूं कहें गाली देता है। लेकिन दुष्यंत का मन चूंकि एक निष्ठ है, शकुंतला निष्ठ है, उसके मन में वो भावना जो है वो प्रबलित तो हो रही है कि किसी प्रकार निकालें। और मित्रों, ये हम आप सभी जानते हैं कि ये मनोविज्ञान है कि जब किसी के मन में प्रेम का प्रस्फुटन होता है तो इमीडिएट अपने जो सद्य श्रेष्ठ मित्र होते हैं उनके साथ उसको बयान करने के लिए, उनको पूरी कथा, पूरी गाथा, पूरी अभिलाषा सुनाने के लिए वो तत्पर होते हैं। और विदूषक भी मानो एक रूप से राजा के लिए वही आधार भूमि है जिसे पकड़ के, जिसे जिसके जिसके साथ राजा अपने मन की सारी बात शेयर करना चाहता है, अपने मन की सारी बात को बांटना चाहता है। इसी ये सारी बातें होती है, दुष्यंत शकुंतला के विषय में विदूषक की बात करना चाहता है, विदूषक उसकी बात को अनसुना करता है, और अनसुना करता है, विदूषक कोई बहाना, विदूषक को सुनाने के लिए या राजा वहां ठहरने के लिए कोई बहाना ढूंढता है, और उस बहाने के क्रम में अपने सैनिकों को, अपने सेनापति को बुला करके आदेश देता है कि जितने भी लोग साथ आए हैं उनको विश्राम कर दिया करने के लिए दे दिया जाए। और बड़ा ही सुंदर, एक शास्त्रीय दृष्टि से बड़ा ही सुंदर एक पद्य वो वहां पर हमें प्राप्त होता है, और वह पद्य है, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर मुहस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु विश्रब्दम क्रियताम वराह ततिभिर मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामम लभतामिदम च शिथिलज्याबंधम अस्मद्धनु। दूसरे शब्दों में एक प्रकार से सबके लिए यहां पर आदेश है कि आप इन इन कार्यों के लिए विश्राम ले लें, मतलब आप किसी भी प्राणी को तंग ना करें, मैं भी अपने धनुष बाण को, अपने उसको विश्राम देता हूं। तो इस रूप से यह है, अर्थात हे सेनापति, अपने सेनाओं के साथ आप विश्राम लें, मैं थोड़ी देर यहीं पे रहूंगा। और इसी सब दौरान, इसी अंतराल में विदूषक और राजा का एक बड़ा सा संवाद होता है, जिस संवाद में एक से एक सुंदर पद्य जो शकुंतला के सौंदर्य के लिए हो सकता है, वे पद्य यहां पर वे निकल कर आते हैं। मित्रों, मैंने कभी कालिदास के सौंदर्य दृष्टि के विषय में चर्चा की होगी, और उसमें बारंबार एक वाक्य मैंने थ्रो किया होगा, और वह वाक्य था लब्धम नेत्र निर्वाणम। तो इसी वार्ता क्रम में वो शब्द भी निकलते हैं, ये वाक्य भी निकलते हैं शकुंतला के लिए, कि भाई वो शकुंतला एक ऐसी नारी है कि मानो उसको देखने के बाद आंखों को मोक्ष मिल गया हो। अब यहां पर ये अलग विश्लेषण का विषय है कि ये क्या चीज है, लेकिन सौंदर्य की इस तरह की सटल, जिसको कह सकते एक अति सूक्ष्म व्याख्या सौंदर्य की, अन्यत्र जो है वह दुर्लभ है। फिर उसके बाद हम कई सारे ऐसे सुंदर सुंदर पद्य प्राप्त करते हैं जिसमें कि संवाद के माध्यम से जो दुष्यंत को पोक करता है विदूषक, और विदूषक को दुष्यंत शकुंतला के बारे में बताता चला जाता है, और उसी में दो सौंदर्य के अमर पद्य निकलते हैं। मित्रों, महाकवि कालिदास ने एक संकेत दिया था नांदी के माध्यम से, जो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि होतम हविर या च होत्री आदि जो हमने नांदी की चर्चा की थी प्रथम अंक के क्रम में, जहां पर कि शिव की 8 मूर्तियों का विश्लेषण है जल वायु आदि करके, उसी के माध्यम से महाकवि कालिदास ने सांकेतिक रूप में अपने नाटक के लगभग 8 चरित्रों की ओर, या कह सकते हैं चरित्रों के माध्यम से कुछ ना कुछ कोई किसी घटना की ओर संकेत दिया है।
उसी में प्रथम शब्द था या सृष्टि सृष्टु राद्या, यानी आद्या सृष्टि, वहां तो आद्या शब्द का अर्थ प्रथम लिया गया है, लेकिन व्याख्याकार वहां पर आद्या शब्द का अर्थ सुंदर भी लेते हैं, सुंदरतम लेते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं लेते हैं। तो मानो महाकवि कालिदास ने उस आद्या शब्द को उसके सौंदर्य के रूप में किस प्रकार विश्लेषण किया है, शकुंतला के सौंदर्य के रूप में, वो बड़ा ही सुंदर वसंत तिलका छंद के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किया है कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सामे धातुर विभुत्व मनुचिंत्य वपुश्चतस्याः। मतलब विधाता की सुंदरतम कृति जो हो सकती है वो शकुंतला है। देखिए कितना सुंदर है, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, अर्थात चित्र में निविष्ट करके सारे सौंदर्य तत्व की परिकल्पना करके डाल दिया हो, और वो जो समग्र समसृष्टि है, कह रहे धातु यानी विधाता की जो समग्र सृष्टि है वह शकुंतला है। वस्तुतः उस काल का जो यह चिंतन है, महाकवि कालिदास की जो सौंदर्य दृष्टि है, उस सौंदर्य दृष्टि के लिए मानो यह पद्य एक मील का पत्थर बनता है। और अति तो तब होती है जब उपमानों के भी उपमान से शिखरिणी के माध्यम से उस शकुंतला का सौंदर्य वर्णन होता है। यह और भी अविस्मरणीय है, अद्भुत है, और दूसरे शब्दों में इस पद्य के माध्यम से हमें नहीं लग रहा कि इस सौंदर्य का कोई पैरेलल हो सकता है, कोई उसका समानांतर सौंदर्य हो सकता है। और जरा वो भी पद्य देखें कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहै रनाविद्धम रत्नम मधु नव मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधे। दो दो बातें हैं, एक मैंने सौंदर्य का निकष आपके सामने बताने की कोशिश की इस पद्य के माध्यम से कि अनाघ्रातम पुष्पम, एक ऐसा पुष्प जिसका किसी ने अभी जिसको अभी तक किसी ने जिसका जिसके सुगंधि का आनंद नहीं लिया है, जिसको सूंघा नहीं है, किसलय मलूनम करुहै, एक ऐसा किसलय है जिसको कि नाखून से नहीं अभी तक खरोंचा गया है, अनाविद्धम रत्नम, एक ऐसा रत्न है जिसमें छिद्र नहीं किया गया है, आदि इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सारे के सारे उपमान तत्वों का संकलन महाकवि कालिदास ने इस चार पंक्ति के माध्यम से कर दिया। हमने दो बातें की थी, लेकिन एक दूसरी बात क्या निकल कर आती है, वह है शकुंतला के प्रति दुष्यंत की सतृष्ण दृष्टि, एक इसको कहते हैं लालसा, एक कहते हैं कि अपने को थ्रो करना शकुंतला के लिए। क्यों? क्योंकि आखिरी पंक्ति को अगर आप विश्लेषण में लाएं तो कहते हैं न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि, अहम न जाने यानी मैं दुष्यंत यह नहीं जानता कि विधि अर्थात विधाता ने विधाता इह यानी शकुंतला के लिए किसको उपस्थित करेगा, अर्थात दूसरे शब्दों में एक प्रकार से यह उस प्रेम के चरम व परम की परिणति है जिसमें दुष्यंत अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहता है उस एकमात्र शकुंतला के लिए। अस्तु, ये बात चल रही होती है, सौंदर्य विश्लेषण होता है, विदूषक भी कह सकता है कि जरूर वो कोई फिर अपूर्व कन्या होगी आदि। इसी बीच क्या होता है कि कुछ सैनिक आदि दौवारिक आदि आते हैं और उनको संदेश देते हैं कि उनकी माता ने आयुष्य पुत्र आयुष्य यज्ञ रखा है जिसकी पारणा है और उसके लिए दुष्यंत को वापस जाना है। अब दुष्यंत की दशा खराब हो गई क्योंकि उधर माता का आदेश संदेश की वापस लौटना है और इधर शकुंतला जिससे मिलन नहीं हुआ है। तो यह जो द्वैधी भाव है, यह जो द्वंद्व है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन वहां पर भी एक उपाय ढूंढा जाता है कि कैसे राजा वहां पर रुकें, उसके लिए ऐसा क्या हो। तो एक बड़ा सुंदर मुझे लगा, खास करके कभी कभी विदूषक को लोग क्या एक मूर्ख के रूप में हमारे सामने उपस्थित करते हैं, नाटकों में ऐसा माना जाता है कि विदूषक जो होता है ना वो केवल जोकर है, हंसी मजाक करने वाला है, मस्खरा करने वाला है,
और जिस प्रकार का संबोधन नायक उसके लिए करता है बार बार वैधेय वैधेय, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य रूप से संस्कृत साहित्य में विदूषक को मूर्ख के रूप में रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। विदूषक वस्तुतः बुद्धिजीवी है। विदूषक वस्तुतः क्या है? प्रत्युत्पन्न मतित्व से युक्त एक चरित्र है। और राजा को बड़ा सुंदर बहाना ढूंढ करके देता है कि सर आप क्यों घबराते हैं, अरे मित्र दुष्यंत घबराते क्यों हैं, आपको तो यहां स्टे करने के लिए ढेर सारे बहाने हैं। आप कह दीजिए कि मैं भाई जो हमारा जो टैक्स है वो मैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए आया हूं, कि जो जो छठा अंश है इसे ये भी एक हमें ज्ञात होता है कि कालिदास कालीन समाज में आम प्रजा से 1/6 यानी कुल उत्पाद का छठा अंश टैक्स में लिया जाता था। तो ये एक बहाना बनवाता है विदूषक उनसे कहने के लिए। लेकिन आपने यह भी पाया होगा कि राजा के रूप में मैंने दुष्यंत की बहुत ही प्रशंसा की है। यह अलग विषय है कि जब मैं दुष्यंत के चरित्र की चर्चा करूंगा तो मैं दुष्यंत को धीर ललित लायक नहीं मानता, और दुष्यंत उस रूप में है भी नहीं पूरे नाटक में। लेकिन जब एक राजा के रूप में हम दुष्यंत का विश्लेषण करते हैं तो निस्संदेह वह एक सारे के सारे जो उदात्त भाव है उस उदात्त भाव से हम उस राजा को पाते हैं। ध्यान रखेंगे दुष्यंत यहां धीर ललित नहीं, वो प्रमादवश मेरे मुंह से निकल गया, दुष्यंत यहां पर धीरोदात्त नायक के रूप में समीक्षकों ने उसे चित्रित करने की कोशिश की है। तो राजा के रूप में जितने उदात्त भाव हैं वे सारे हम दुष्यंत में पाते हैं, और विदूषक के उस उपाय का कितना सुंदर राजा यहां पर उत्तर देता है हम जरा समझें। कि कहते हैं कि यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम यदि क्षय तद्धनम तपह षड्भागम अक्षयम् ददत्यारण्यकाहिनः। देखिए सारे वर्णों से सारी प्रजाओं से लेने वाला जो कर है, जो मैं दुष्यंत प्राप्त करता हूं, वह क्षयशील है, वह हमेशा क्या है कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन इन आरण्यकों से अर्थात तपस्वियों से अर्थात ऋषियों से, या यूं कहें कि उस काल के बुद्धिजीवियों से जो अंश मिल रहा है टैक्स का, वह अक्षय है, अर्थात पुण्य अर्थात सात्विक चिंतन वह उनसे उन्हें प्राप्त होता है। और दुष्यंत भी इस चीज को मानता है, यह चिंतन जो है, यह जो तपस्वियों से मिलने वाला जो पुण्य कर्म है वो किसी भी धन से श्रेष्ठ है। सांकेतिक रूप में अगर ग्रहण करें तो धन जो है मानव मात्र के लिए श्रेष्ठ तत्व नहीं है, वह चरित्र है, वह चारित्रिक उत्कर्ष है, वह अपना श्रेष्ठ गुण है जो मनुष्य को समाज में श्रेष्ठता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से एक संकेत दिया है, और महाकवि कालिदास ने अपने नायक राजा दुष्यंत, ध्यान रखेंगे मैं प्रेमी दुष्यंत की बात अभी नहीं कर रहा हूं, राजा दुष्यंत को एक श्रेष्ठ संवाद दिया है। बातें चलती रहती है, बातें खत्म होती है, लेकिन जो आदेश है उस आदेश का पालन कैसे हो, क्योंकि माता का संदेश है और माता ने उपवास ही रखा है दुष्यंत के लिए। यह एक बड़ा अनूठा विषय है। दुष्यंत की उपस्थिति वहां परमावश्यक है और माता को एक ही पुत्र है, तो यह एक बड़ी उहापोह की स्थिति है, एक द्विविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। और ऐसी द्विविधा की स्थिति में फिर दुष्यंत एक युक्ति करता है कि क्यों ना विदूषक को भेज दिया जाए। अच्छा, इससे पूर्व एक वृत्तांत आता है, वो वृत्तांत है राक्षसों का, कि राक्षस जो है यज्ञ आदि में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो इसीलिए इस यज्ञ से बचाया जाए। तो दुष्यंत को मानो एक स्वनिर्मित बहाना मिल जाता है जिसके लिए कोई सोच की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा कि भाई, दुष्यंत कहता है विदूषक को कि भैया विदूषक तुम चले जाओ। विदूषक का नाम यहां पर समझ लें कि माधव्य है, वो बार बार माधव्य नाम है, उसको माधव्य भी हम कह लेते हैं और माधव्य भी कह लेते हैं, ये ढ और ध है, ये अलग अलग पाठ भेद है। हमें लग रहा है कि माधव्य शब्द जो है वो बड़ा अनुकूल अर्थ वाला है, क्योंकि सामान्य रूप से वसंत ऋतु के जो पर्याय होते हैं उसी नाम से संस्कृत नाटकों में विदूषकों के नाम रखे जाते हैं। तो इस दृष्टि से जो माधव्य शब्द है वो कहीं समीचीन होता है। इसका विश्लेषण भी जब विदूषक के चरित्र करेंगे तब उसमें हम लाएंगे। लेकिन वो विदूषक को कहता है कि तुम तो मेरे भाई के समान हो, और मेरे भाई के समान हुए तो तुम माता के पुत्र के समान हुए, तो तुम उस पुत्रायुष्य यज्ञ में माता के उस उपवास के परायण पारणा के लिए तुम चले जाओ। ये कहता नहीं, मैं तो डरा हुआ हूं क्योंकि राक्षस है, राक्षस मुझे खा जाएगा। तो कहता है अरे चिंता की बात क्या है, मैं तुम्हारे साथ सारे सैनिक तुमको भेज दूंगा और तुम युवराज बन के जाना वहां पर।
तो ठीक है, विदूषक तो भोला भाला है, उनके बहकावे में उनकी बातों में आ जाता है और वह युवराज के अपने शान और शौकत से वहां प्रस्थान करने के लिए उद्यत है। अचानक दुष्यंत के मन में एक और बात आती है। देखिए, प्यार में बहाने कितने होते हैं। वस्तुतः प्रेम का आनंद प्रेम की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उस प्रेम को प्राप्त करने के पूर्व की जो क्रीड़ाएं होती है वह ज्यादा आनंद देता है। और वही विषय हम यहां दुष्यंत में भी देखते हैं। और महाकवि कालिदास जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि प्रेम के एकदम कह सकते हैं कि पारंगत खिलाड़ी हैं और उस मनोभाव को वो भांपने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि विदूषक जाएगा और ये सारी जो बातें मैंने की है शकुंतला के बारे में कहीं जाकर के ये माता से या वहां के लोगों से ना शेयर कर दें तो पोल सारा खुल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि कहता है कि मित्र जाकर के कि तुम ये जो सारी बातें मैंने तुमसे की है ना, शकुंतला की जो बातें तुम्हारे लिए की है वो सारी की सारी बातें जो है वह कहीं ना कहीं हंसी मजाक की बातें थी। और ये कहां तो मैं राज वहां रहने वाला व्यक्ति और कहां ये हिरणों के साथ पली बढ़ी ये शकुंतला, नहीं नहीं ये सारी बातें तो मैंने टाइम पास के लिए तुमसे हंसी मजाक के लिए कही है, इसीलिए इसे इस बात को तुम सत्य न मान लेना। ये दुष्यंत के लिए आवश्यक था। और अगर नाटकीय दृष्टि अगर पूरे नाटक को देखने की कोशिश करें तो यह भी आवश्यक था, क्योंकि विदूषक जाकर के प्रजाओं में या माताओं के साथ आदि या किसी भी एक व्यक्ति के साथ इस बात को शेयर कर लेता है तो पांचवें अंक में जो संघर्ष होता है या चतुर्थ अंक में जो दुर्वासा के शाप की योजना है वो पूरी तरह से विश्रृंखलित हो जाती, क्योंकि जब पांचवें अंक में शकुंतला प्रमाण देने को उद्यत होती है तो उसके पास कोई प्रमाण नहीं बचा रह जाता। यहां तक कि चतुराई से महाकवि कालिदास ने विदूषक को भी वहां से निकलवा दिया है, जो एकमात्र विदूषक था जो कि शकुंतला विषयक सारी कथा को जानता था। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये जाती तो वह दूसरा व्यक्ति शकुंतला के लिए प्रमाण बन करके आ जाता कि हाँ दुष्यंत आपकी ही यह शकुंतला है। तो बड़ी चतुराई से इस संवाद का भी अगर हम विश्लेषण देखें तो आगे के नाटकों पर इसका प्रभाव पड़ता है और खास करके दुर्वासा के शाप के प्रोटेक्शन के लिए इस संवाद का विशेष महत्व है। अस्तु, तो इस एक वाक्य से जो बड़ा ही सुंदर है और हम लोग हमेशा भाई इस बात को हंसी मजाक ही समझना सत्य नहीं मान लेना, इसके लिए संस्कृत में इस मुहावरे को प्रयोग करते हैं जिसे महाकवि कालिदास ने एक पद्य के रूप में दिया है और वो पद्य है क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृग शावई सममेधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे। परिहास विजल्पितम, हे मित्र सखे, हे मित्र हमने हंसी मजाक में ये बातें की है, परमार्थेन न गृह्यताम वचः, इस वाणी को सत्य न मान लेना। तो ये अंतिम वाक्य है और वो विदा होकर के चला जाता है। दुष्यंत फिर रह जाता है मंच पे और दुष्यंत अपने उस आगे की योजना में सन्नद्ध होता है और इस प्रकार से ये द्वितीय अंक खत्म होता है। रही बात समग्रता की दृष्टि से, यद्यपि मैंने द्वितीय अंक के बीच ऊपर में कुछ टिप्पणी की, लेकिन हमें इस एक वैशिष्ट्य के दृष्टि से पूरे नाटक में इसकी उपयोगिता की दृष्टि से अगर जाने तो हम एक चीज जरूर जानते हैं कि महाकवि रसों के कवि है। रसराज जो श्रृंगार है उसके संपोषण के लिए, उनकी पुष्टि के लिए वे अन्य रसों का भी विनियोग करते हैं, विनिवेश करते हैं अपने नाटक में। और इस दृष्टि से महाकवि कालिदास ने यहां पर एक हास्य का पूर्ण वातावरण द्वितीय अंक में उत्पन्न किया है, इसलिए द्वितीय अंक जो विदूषक का मधुर परिहास है तो हास्य रस के परिवर्धन की दृष्टि से यह नाटक सर्वाधिक उत्तम नाटक है। इसी प्रकार यद्यपि प्रत्यक्ष दृष्टि है शकुंतला की, दुष्यंत ने अपनी आंखों से शकुंतला को देखा है, तो यह स्व अनुभूति का विषय है। जो सौंदर्य है वह स्वानुभूति का विषय है, इसीलिए सौंदर्य व्यक्ति में नहीं बल्कि सौंदर्य आंखों में होता है। यह भी एक विवाद का विषय है, जब सौंदर्य विश्लेषण होंगे तो उनमें इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन महाकवि कालिदास ने यहां पर जो शब्दों के माध्यम से सौंदर्य की उपस्थिति की है तो शकुंतला का ऐसा अद्वितीय सौंदर्य अन्यत्र कहीं वर्णित प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने द्वितीय अंक में दुष्यंत के संवाद के माध्यम से उन दो पद्यों के माध्यम से, अन्य पद्य भी हैं लेकिन मैंने केवल उन दो पद्यों को चुना है जो सौंदर्य के लिए अमर पद्य हैं। इसी प्रकार एक है प्रेम को परिणति तक ले जाने का प्रयास।
जो प्रेम को परिणति तक ले जाने का प्रयास को अगर हम देखें तो उसको इस रूप में सोचा जा सकता है, इस रूप में समझा जा सकता है कि महाकवि कालिदास ने जो पूरी की पूरी शकुंतला मिलन की योजना बनाई है, वह योजना हम दुष्यंत और विदूषक के संवाद के माध्यम से प्राप्त करते हैं। देखिए, एक पक्ष यहां पर विदूषक सोचता है दुष्यंत के लिए, मानो इसी का प्रत्युत्तर हम तृतीय अंक में पाएंगे जहां पर अनसुया और प्रियंवदा शकुंतला का दुष्यंत से मिलन की योजना बनाता है, सलाह मशविरा वो लोग देती है। यहां पर विदूषक, वहां पर अनसुया और प्रियंवदा, तो पाएंगे क्योंकि यहां पर दुष्यंत की विरह दशा है, मनोदशा है, वहां शकुंतला की मनोदशा है। तो अगर इसको हम नाटकीय अनुशासन की दृष्टि से देखें, अगर हम आज की शब्दावली को प्रयोग करें तो इक्वल फुटेज दोनों को हम देखते हैं कि द्वितीय अंक में और तृतीय अंक में मिलता है। और दुष्यंत के द्वारा बताए गए, सुझाए गए उपाय आदि, दुष्यंत के द्वारा हस्तिनापुर वापस ना जाने की योजना आदि के माध्यम से हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने एक संकेत दिया है कि किसी न किसी रूप में दुष्यंत और शकुंतला का पूर्व मिलन तो आवश्यक है और वह होकर रहेगा। इसके ऊपर कुछ विशिष्ट टिप्पणियां भी प्राप्त होती हैं। अगर हम यूं कहें कि प्रथम और जो तृतीय अंक है, जिस तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला का सद्यह और साक्षात और एक पूर्ण मिलन होता है, उस पूर्ण मिलन के मध्य यह एक ब्रिज का काम करता है, यह एक सेतु का काम करता है, तो इस प्रकार से हमें द्वितीय अंक को समझना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बड़ी बात, कई प्रकार की टिप्पणियां की गई है इसके ऊपर, द्वितीय अंक के ऊपर में, जिसमें कि चंद्रशेखर पांडेय जी हैं और आधुनिक समीक्षक रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन लोगों ने टिप्पणी में कहा है कि यह प्रथम और तृतीय अंक के मध्य एक विष्कंभक है, इसे एक विष्कंभक माना जाना चाहिए। मित्रों, विष्कंभक में हम आप सभी जानते हैं कि दो पात्रों के मध्य संवाद होता है, कभी कभी एक पात्र भी होता है, और मेनली मुख्य रूप से द्वितीय अंक में हम केवल विदूषक और राजा को ही प्राप्त करते हैं। अन्य सारे छोटे छोटे चरित्र हैं जो आकर के छोटी छोटी भूमिका निर्वाह करते हैं, चाहे वो करभक हो, चाहे दौवारिक हो, चाहे सेनापति हो, आदि ऐसे लोग हैं जो बीच बीच में आकर के अपने संवादों की छोटी अल्प आहुति देते हैं इसे द्वितीय अंक के यज्ञ में। तो इस प्रकार से ये द्वितीय अंक है, और मैं यह समझता हूं कि अगर द्वितीय अंक मध्य में न रखा जाए तो श्रृंगार की एक मोनोटोनी हो जाती है, एक रसता हो जाती है, इसलिए विरसता या निरसता ना उत्पन्न हो नाटक की रोचकता में, महाकवि कालिदास ने उसको विशेष ध्यान में रखते हुए द्वितीय अंक का सृजन किया है। हम पुनः आगे तृतीय अंक की परिचर्चा प्रारंभ करेंगे एक संक्षिप्त विराम। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को, जिनके माध्यम से हम कालिदास के अभिजान शकुंतलम और उसके तहत एक्ट द्वितीय और तृतीय को सम्मिलित करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन से आपने लाभ प्राप्त किया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपने पिछले सेशन में हमने एक्ट टू पर चर्चा की और इस सेशन में हम एक्ट थ्री अभिजान शकुंतलम के एक्ट थ्री पर हम चर्चा करेंगे। और इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। अगर आप डॉक्टर पंकज मिश्र से आज के व्याख्यान संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 1800 110 430। और अब मैं डॉक्टर पंकज मिश्र से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप एक्ट थ्री ये हमें समझाने की कोशिश करें। मित्रों, हमने द्वितीय अंक को समझा और द्वितीय अंक में हमने एक सूत्र वाक्य को आपके सामने प्रस्तुत किया था कि मानो जो भूमिका विदूषक की द्वितीय अंक में है वही भूमिका अनसूया और प्रियंवदा मिलकर के तृतीय अंक में निर्वाह में लाएगी। तृतीय अंक अगर देखें तो समीक्षा की दृष्टि से प्रायशः और अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से सर्वाधिक उपेक्षित अंक रहा है। मैंने कहा सर्वाधिक और उपेक्षित। एक समय था जब विश्वविद्यालयों में यह अंक नहीं पढ़ाया जाता था और आज भी जो ये न्यू अभी पाठ्यक्रम हमारे सामने आया है उसमें भी तृतीय अंक को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम तृतीय अंक को नाटक से निकाल लें तो मेरे ख्याल से नाटक जो है पूरी तरह से पंगु हो जाएगा और नाटक की जो कथा है वो विश्रृंखलित हो जाएगी। और सही अर्थों में जो प्रेम को ही सर्वस्व मानने वाले होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं तृतीय अंक एक संजीवनी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने इस तृतीय अंक के माध्यम से विरह में तपने वाली और विरह में जलने वाले दुष्यंत को एक प्रकार से यह संजीवनी प्रदान की है कि दोनों का मिलन करवाया है। मित्रों, इस अंक का प्रारंभ एक लघु विष्कंभक से होता है। मैं जहां तक मेरा अपना अनुमान है या मैंने जहां तक अध्ययन किया है उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि संस्कृत साहित्य का यह लघुतम विष्कंभक होगा। एक संवाद मात्र है। इसमें एक ऋषि कुमार आश्रम से बाहर निकलता है अपने किसी कार्य से और उसी क्षण वह देखता क्या है कि अनसूया और प्रियंवदा अपनी सखी शकुंतला के लिए कुछ उपाय की सामग्री लेकर के जा रही है जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि शकुंतला पूरी तरह से ज्वर पीड़ित है। वो ज्वर पीड़ा नहीं है बल्कि वो अपने प्रणय को अपने प्रेम को प्राप्त करने की जो एक कह सकते हैं निराशा कह लें या मनोदशा कह लें या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम में कि मिलेगा या ना मिलेगा इस प्रकार की जो द्विधा है उस द्विविधा में वह शकुंतला जल रही है। तो उसी के लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। अनसूया प्रियंवदा में एक शीघ्रता दिखाई देती है। ये दोनों किसी न किसी उपाय को ढूंढने का प्रयास करती है तृतीय अंक में। लेकिन संयोग ऐसा है कि उस अंक में मंच पर चार चरित्र को हम पाते हैं। एक फ्रेम में अनसूया प्रियंवदा और शकुंतला है। शकुंतला लेटी हुई है और उनको कमल के पत्ते से उनको हवा किया जा रहा है ताकि उसका उसकी जो पीड़ा है उनके जो शरीर का ताप है वो कम हो। और दूसरी ओर इन सारी चीजों को प्रथम अंक की तरह पुनः दुष्यंत जो है वो छिप करके देख रहा है जिससे कि उनको ये मालूम होता है कि शकुंतला की मनोदशा क्या है और शकुंतला की मनोदशा ऐसी क्यों है। तो एक प्रकार से दुष्यंत के लिए यह आश्वस्ति है कि शकुंतला दुष्यंत के लिए पीड़ित है अर्थात शकुंतला दुष्यंत से मिलन चाहती है। तो इस प्रकार यह है। इस अंक में हम देखते हैं एक और दूसरी ओर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं ये लोग शकुंतला कि पता नहीं मुझे दुष्यंत से की प्राप्ति होगी कि नहीं, मैं उनके प्यार में तप रही हूं आदि आदि। उसका एक बड़ा सुंदर उत्तर है दुष्यंत के माध्यम से। और मित्रों, एक चीज और बताऊं, महाकवि कालिदास ने अपने समस्त काव्यों में आम भावना सामान्य परंपरा में जिनका सर्वाधिक हम भाव पाते हैं नारियों में वो पुरुषों में भी उन्होंने दिखाया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे विरह की पीड़ा प्रेम की पीड़ा स्त्रियों में युवतियों में प्रायशः हमारे समाज में हमारे काव्यों में अधिक दिखाया जाता है, चाहे आज करके चलचित्र ही क्यों ना हो उनमें ज्यादा दिखाया जाता है। लेकिन महाकवि कालिदास स्पष्ट रूपेण कहते हैं कि देखिए किस प्रकार पुरुष में उस प्रकार की पीड़ा होती है। बड़ा सुंदर एक श्लोक है जो दुष्यंत के माध्यम से निकलता है और दुष्यंत कहता है कि तपति तरुगात्री मदनस्त्वामनिशम
माम पुनर्दहत्येव। हे तनुगात्री, हे दुबली पतली शकुंतला, कि ये काम जो है, यह जो प्रेम है कामदेव, ये तुमको तपा मात्र रहा है, मुझे तो जला ही रहा है। देखिए, एक है तपाना, एक है जलाना, यानी तपने की जो परिणति है, जो तपने का परिणाम जो है वो जलन है, अर्थात जल करके भस्म होना। तो किस तरह से एक डिग्री आगे अपने को प्रस्तुत कर रहा है दुष्यंत, कि तुम्हें तो मात्र तपा रहा है यह प्रेम, यह कामदेव, मुझे तो जला ही रहा है। और यह बात सत्य है कि ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीं दिवसः। कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा को दिन क्षीण करता है, उस प्रकार कुमुदिनी को नहीं। देखिए, कुमुदिनी एक रात्रि का पुष्प है जो रात्रि में खिलता है, कुमुदिनी खिलती है और दिन में वह मुरझा जाती है, लेकिन रात में फिर खिलती है। इसी प्रकार दिन में चंद्रमा की सारी जो रोशनी है, जो ज्योत्सना है, जो प्रकाश है, वो क्षीण पर जाता है। तो उसी भाव को महाकवि कालिदास ने यहां पर हमारे सामने स्पष्ट किया है और उस भाव को इस प्रकार रखा है कि जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा को जिस प्रकार दिन क्षीण करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं। अर्थात यहां पे चंद्रमा दुष्यंत है और कुमुदिनी शकुंतला है। हम इस प्रकार से दोनों की विरह वेदना को एक तौल सकते हैं कि कौन किस रूप में है। और मित्रों, हम लोग सभी जानते हैं कि प्रेम में जो विरह है, वो कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी देश प्रदेश में हो, किसी भी व्यक्ति विशेष में हो, उस मात्रा को, उस भाव को किसी पैमाने से नहीं तौला जाता। वो दीन हो, क्षीण हो या राजा हो, प्रेम की जो वो पीड़ा होती है वो सब में समान होती है। तो इसी प्रकार चाहे वो राजा दुष्यंत हो या शकुंतला हो, आश्रम में रहने वाली एक सामान्य कन्या हो, दोनों में प्रेम की वो भावना समान रूप से पाई जाती है। लेकिन फिर भी जो शकुंतला है, शकुंतला की पीड़ा जो है कुछ और ही अधिक उनमें छटपटाहट है, त्वरा है। अब क्या प्रयास किया जाए? तो प्रियंवदा, जैसा कि मैंने शुरू से ही आप लोगों को कहा है कि वो बड़ी ही चतुर और चुलबुली सी वो एक चरित्र है, वह एक बड़ा ही सुंदर एक उपाय ढूंढती है और वो कहती है शकुंतला से कि तुम एक लव लेटर लिखो, मदन पत्र लिखो, ठीक है, काम पत्र लिखो, और जब मैं मंदिर जाऊंगी तो अपने फूल का जो वो बास्केट होता है उसमें छिपा करके लेके जाऊंगी और मैं दुष्यंत को पहुंचा दूंगी। बड़ा ही सुंदर उपाय है। अनसुया को भी जचता है ये उपाय, शकुंतला को भी ये जचता है उपाय। एक कमल का पत्ते लाया जाता है, लिखा कैसे जाए? देखिए, प्रेम में एक तीव्रता, पुराने जमाने में ऐसा सुना जाता था कि लोग लहसुन से सफेद पत्ते पे प्रेम पत्र लिखा करते थे और भेजा करते थे ताकि दूसरे कोई देख ना ले। पुष्पों की पंखुड़ियों पे प्रेम पत्र लिखा करते थे ताकि भावना की कोमलता और अधिक प्रबल हो सके। तो ऐसे कई सारे पुराने जमाने में प्रेम में संदेश के आदान प्रदान के उपाय किए जाते रहे। यहां शकुंतला क्या करती है कि कमल के पत्ते पर नाखून से प्रेम पत्र लिखती है दुष्यंत के लिए, और वो प्रेम पत्र की योजना है कि प्रेमवदा लेकर के जाएगी। इस एक प्रसंग से मैं पहले टिप्पणी कर दूं कि कई सारी बातें उस काल की लिखती है मिलती है। सबसे पहले तो जो लेखन प्रक्रिया और जो लेखन परंपरा होगी वो पूर्णतया समाज में व्याप्त होगी। अर्थात जिस प्रकार आज हम लेखन में व्याप्त हैं, उसी प्रकार लेखन उस समय शुरू हो गया होगा। लिपिबद्धता, और जो लोग कहते हैं कि स्त्रियां पढ़ती नहीं होंगी, उसका भी एक उत्तर है कि शकुंतला जो आश्रम की स्त्री है, अनसुया है, जो प्रियंवदा है, वो लिखना जानती है और अपने मनोभाव को शब्द देना जानती है। तो एक तो ये संकेत है। दूसरी ओर मैं भी ऐसा मानता हूं कि समाज में, इस सभ्यता में कोई भी ऐसा काल न रहा हो कि मानव मात्र में उठने वाली यह कोमल भावना केवल और केवल इस आधुनिक समाज की देन रही हो। नहीं, सभ्यता के आदि काल से यह कोमल भाव प्रस्फुटित तो होते रहे हैं और दुष्यंत और शकुंतला के मध्य की इस भावना को हम यहां बखूबी आंक पाते हैं। जैसा हमने कहा कि प्रेम जो है वो कभी भी उन्मुक्तता नहीं चाहता। प्रेम को हम जितना छिपाते हैं उसमें आनंद उतना प्राप्त होता है।
यहां पर भी यही स्थिति हमें दिखती है, क्योंकि यहां पर गुह्य जो है प्रेम को गुह्य बनाना, क्योंकि अगर प्रेम को हम एग्जिबिट कर देते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या है, एक्सप्लिट होने का भय होता है, लोक लज्जा का भय होता है। तो प्रेम को जो छिपाने की भावना है, महाकवि कालिदास ने उस भावना का भी यहां पर सदुपयोग किया है और किसी न किसी रूप से यह भावना छिपी रहे, इसलिए मंदिर जाने के बहाने जो यह है इस प्रेम पत्र का एक उपयोग में लाए जाने का प्रयास दिखता है। लेकिन संयोग ऐसा है कि प्रियंवदा के माध्यम से वहां वो नहीं भेजा जाता, क्योंकि उसी समय दुष्यंत जो है वो वहां पहुंच जाता है उसके सामने, और पहुंचने के बाद उनसे विभिन्न प्रकार की बातें होती है, परिचर्चा होती है। दुष्यंत यह स्वीकार करता है कि जो दशा तुम्हारी है वही दशा मेरी भी है, मैं भी तुमसे मिलन की का अभिलाषी हूँ जिस प्रकार तुम मेरे से मिलन की अभिलाषी हो। अब एक बात और हम लोग लेते हैं कि जब किसी दो व्यक्ति में प्रेम विशेष की पूर्ण स्थापना हो जाती है तो स्वाभाविक है कि तीसरे व्यक्ति को वहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए, और ऐसी स्थिति में अनसुया और प्रियंवदा भी एक मृग शावक को पकड़ने के बहाने वहां से निकल जाती है और उस एकमात्र फ्रेम में रंगमंच पर केवल और केवल दुष्यंत और शकुंतला की समुपस्थिति रह जाती है दोनों में। लेकिन उससे पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मैंने पहले ही कहा है कि मिथ्या भाषण प्रेम का अनिवार्य अंग है। अगर प्यार में झूठ न बोला जाए तो वो प्यार मारो मेरे ख्याल से पवित्र नहीं होता। तो एकमात्र ऐसा विषय, एकमात्र ऐसी क्रिया जिसमें झूठ उसकी पूर्णता प्रदान करे वह प्रेम है। वो मूल विषय क्या है कि दोनों सखियां, खास करके अनसुया जो कि बहुत ही गंभीर है, वो इस विषय को जानने की कोशिश करती है कि राजा की तो ढेर सारी पत्नियां हैं ऐसी सुनी जाती है, दुष्यंत की भी ढेर सारी पत्नी होंगी, तो ये तो दुष्यंत बार बार शकुंतला से मिलन की कोशिश करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुष्यंत शकुंतला का उपयोग करके इनको फिर यूज करके और शकुंतला को भूल जाएगा दुष्यंत। तो अनसुया प्रश्न पूछती है कि हे राजन, बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते, कि राजा की ढेर सारी पत्नियां होती हैं और बड़े ही बखूबी अपने अंदाज में, एक राजसी है जिसको कह सकते हैं डील डॉल में दुष्यंत जवाब देता है, यद्यपि अपने सूत्र की वो रक्षा नहीं कर पाता पूरे नाटक में आगे भी, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि इस प्रकार का जो प्रणय है उस प्रणय की आधार भूमि ही जो है वो मिथ्या भाषण है, और दुष्यंत ने उस मिथ्या भाषण का सदुपयोग किया। और वो किस रूप में, तो देखिए वो कहता है अनसुया और प्रियंवदा से कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, कि ठीक है यद्यपि मेरी ढेर सारी रानियां हैं लेकिन मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा होगी, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मे कुलस्य मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा होगी, क्या कि समुद्र रसना चोरवी, ये जो पृथ्वी है जिस पृथ्वी का मैं शासक हूं, एक तो वो मेरी प्रतिष्ठा होगी और दूसरी सखी च युवयोरियम, और ये तुम्हारी जो सखी अर्थात शकुंतला है वह, दूसरे शब्दों में मेरा पूरा का पूरा डेडिकेशन, मेरा समर्पण, मेरा सर्वस्व जो है इस अपने इस राजकीय जीवन में केवल दो ही होगा, एक होगी पृथ्वी और एक आपकी शकुंतला। देखिए दोनों अगर अर्थ के विश्लेषण में जाए तो कहीं ना कहीं दोनों दो प्रकार के अर्थ का भी विश्लेषण करेंगे, दुष्यंत का यह कथन कहीं ना कहीं किसी एक के प्रति विश्वासघात है। पहला कि यदि अन्य रानियां होंगी जैसी कि है हंसपदिका और वसुमती, उनके प्रति भी विश्वासघात हुआ, इसी प्रकार तो विवाह दुष्यंत ने उनको भी कहकर किया होगा ना, तो जो घर में अंतःपुर में रहने वाली जो दो रानियां हैं अर्थात उनकी उपेक्षा हो गई। और दूसरी बात कि अगर शकुंतला के साथ इसी प्रकार विवाह करता है और इसे भी अपने अंतःपुर की एक साज सज्जा के रूप में हंसपदिका और वसुमती के साथ इन्हें भी खड़ा कर दे और फिर चौथी के प्रति प्रयास करे, तो शकुंतला के प्रति भी विश्वासघात तो होगा। ठीक है, यह क्षणिक उत्तर हमें सुनने में आनंद देता है, लेकिन महाकवि कालिदास का यह दुष्यंत अपने इस कथन की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि यह राजा दुष्यंत नहीं है, अब यह प्रेमी दुष्यंत का कथन है। इसलिए हम जब भी कभी दुष्यंत के चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें हमें दो पक्षों में हमें किया जाना चाहिए, एक राजा दुष्यंत और एक प्रेमी दुष्यंत,
और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि प्रेमी दुष्यंत जो है ये कहीं ना कहीं अनुकूल कह सकते हैं कि अनुकूल उदाहरण हमारे लिए उपस्थित नहीं करता। खास करके यह विश्लेषण की आवश्यकता है कि इस कथन का निहितार्थ क्या लिया जाना चाहिए। अगर केवल उस क्षणिक प्रश्न का उत्तर मात्र समझ लें जो लोग समझते रहे हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं इसका अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। जरा सोचिए, अंतःपुर में जिनकी इतनी ढेर सारी रानियां होंगी उनके प्रति फिर दुष्यंत का क्या नैतिक दायित्व रह जाता है, यह एक प्रश्न बना रह जाता है। अस्तु, दोनों सखियां चली जाती हैं एक फ्रेम में, दुष्यंत और शकुंतला वहां दोनों बैठे हैं, दोनों के बीच बात होती है और दुष्यंत उद्यत है गांधर्व विवाह के लिए। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। मैं एक टिप्पणी कर दूं कि यदि कभी संस्कृति के ऊपर में मुझे व्याख्यान देने का अवसर मिला तो मैं 8 प्रकार के विवाह नहीं, मैं 5 ही प्रकार का विवाह मानता हूं, क्योंकि अंतिम जो 3 प्रकार हैं वो विवाह नहीं है, वो केवल संबंध बनाना मात्र है, जिसमें संबंध बनाने के बाद स्त्रियों के भरण पोषण का भार उस व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं रह जाता जिसने संबंध बनाया। और विवाह का सामान्य अर्थ है पुरुष और स्त्री का मिलन, संबंध बनाना नहीं है। यहां पर दुष्यंत का जो एक उतावलापना है, दुष्यंत जिस प्रकार अपने को थ्रो कर रहा है शकुंतला के ऊपर में, वो एक पुनः जो है हमें संकेत देता है दुष्यंत के चरित्र की ओर। यहां जरा देखें कि दुष्यंत बार बार शकुंतला को अपने नजदीक लाने की कोशिश करता है, अपने साथ उनको एक कह सकते हैं कि प्रेम भाव उसके ऊपर आरोपित करना चाहता है। शकुंतला मना करती है, शकुंतला बार बार कहती है कि नहीं नहीं नहीं। पौरव रक्ष विनयम, बड़ी सुंदर पंक्ति है, देखिए छोटी सी पंक्ति है, जिस मनोभावना जिस मनोदशा, देखिए दुष्यंत का सानिध्य तक शकुंतला को मंजूर है, लेकिन उससे एक आगे अमर्यादित कदम जो है वह शकुंतला को मंजूर नहीं है। और इस समीक्षा जगत ने, जो संस्कृत के तथा कथित समीक्षकों ने बार बार शकुंतला को लांछित करने का प्रयास किया है, जबकि वो उस पंक्ति की उपेक्षा कर देते हैं ऐसे समीक्षक, जब शकुंतला कहती है पौरव रक्ष विनयम, बार बार कहती है शकुंतला कि आप विनय की, आप शालीनता की, आप शिष्टाचार की रक्षा करें, यह समय अनुकूल नहीं कि आप मेरे प्रति जो भाव रख रहे हैं वह उचित नहीं। लेकिन दुष्यंत जो कि एक खिलाड़ी है, शुरू से ही हमने कहा है, बार बार भ्रमर के रूप में उसको चित्रित किया है, वह उसकी भावना जो है वो पुनः पुनः शकुंतला से संबंध मात्र बनाना चाहता है और उस संबंध बनाने के लिए एक प्रकार से उनको उपाय सुझाता है। और उपाय क्या है, देखिए कहता है गांधर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजर्षि कन्याकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिता। अरे ओ शकुंतला, तुम क्यों इस तरह से तुम बिहेव कर रही हो? अरे भाई, गांधर्व विवाह बहुत सारे लोगों ने किया है, जितने इस राजा की ढेर सारी पुत्रियों ने गांधर्व विवाह किया है, ऐसा सुना जाता है कि उनका विवाह हुआ है और माता पिता ने उसका आदर किया है। अर्थात ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में यदि हमारा और तुम्हारा विवाह होता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, चलो हम तुम विवाह कर लेते हैं, बाद में मम्मी पापा जो है उसे मान ही लेंगे। ये दुष्यंत, कौन दुष्यंत? अब पुनः ये आत्मविश्वास किस दुष्यंत का है? ये उस दुष्यंत का आत्मविश्वास है जो एक और राजा है, तो वो आत्मविश्वास है, और दूसरी ओर वो दुष्यंत है जो शकुंतला जैसी कई सारी युवतियों के साथ इसी प्रलोभन से संबंध बनाया होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि महाकवि कालिदास ने बड़ी ही चतुराई से इस अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की 4 पत्नियों का उल्लेख किया है, समीक्षक केवल 3 को देखते हैं, हंसपदिका, वसुमति और शकुंतला, लेकिन मैं चौथी की भी उद्भावना करता हूं। क्यों? क्योंकि जो श्याल है वह श्याल राजा का साला है, और राजा का साला है जो कि एक सामान्य दरोगा है, वो ना तो वसुमति का भाई है ना हंसपदिका का भाई है, फिर वो श्याल किसका भाई है? अर्थात जिस किसी भी नारी का वो भाई होगा वो नारी किसी ना किसी रूप में दुष्यंत की पत्नी होगी। तो मित्रों, दुष्यंत के विषय में महाकवि कालिदास के द्वारा दिए गए इस संकेत को अवश्य ही समझा जाना चाहिए।
कि शकुंतला का जो की जो परिणति होने वाली है वो अनुकूल नहीं है। अस्तु, दुष्यंत के इस पुनः पुनः प्रलोभन मान मनोबल का परिणाम होता है कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह होता है, मिलन होता है, दोनों के मध्य संबंध बनते हैं और तृतीय अंक में जाकर के हमें पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है। अब अगर इस पूरे नाटक का अगर हम विश्लेषण करें, इस नाटक की अगर समग्रता, तृतीय अंक का विश्लेषण करें, तृतीय अंक की समग्रता को देखने की कोशिश करें, तो जो कुछ मूल बिंदु है जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा, उसे बुलेट के माध्यम से आप देखेंगे कि संभोग श्रृंगार, देखिए श्रृंगार के दो रूप हैं, संभोग और विप्रलंब। ये सामान्य है, सभी जानते हैं, संभोग का अर्थ यहां मिलन है और विप्रलंब जहां की विरह है, और दोनों प्रकार का हम श्रृंगार महाकवि कालिदास पाते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। यहां पर एक संभोग श्रृंगार है, शब्द से ही ज्ञात हो रहा होगा कि उस पूरे नाटक जो दशा और दिशा है वो दुष्यंत और शकुंतला के शारीरिक मिलन की ओर अग्रसर है, तो इसलिए ये संभोग श्रृंगार की दृष्टि से यह अंक है। हम इसमें काम प्रभाव, कामुक हाव भाव, काम की अभिलाषा देखते हैं। मैंने जैसा आपसे कहा था कि यह सर्वाधिक उपेक्षित है, वो इसी कारण से क्योंकि सामान्य रूप से छात्रों के मध्य इसे पठन पाठन का विषय बनाया जाना कठिन होता है, मुश्किल होता है। ये हमारी कुछ वर्जनाएं हैं, उन वर्जनाओं के अधीन हम रहते हैं कि कई सारे शब्द, कई सारे विषय की व्याख्या अपने छात्रों के सामने नहीं करते, इसलिए यह उपेक्षा का विषय है तृतीय अंक। अनसूया एवं प्रियंवदा का बुद्धि गांभीर्य भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार अनसूया और प्रियंवदा ने शकुंतला के लिए अपना सर्वस्व, जिस प्रकार शकुंतला की रक्षा के लिए या शकुंतला को वो दुष्यंत से मिलाने का जिस प्रकार से प्रयास किया है, वह एक सुंदर प्रयास है। एक तथ्य जो कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं विश्लेषण के क्रम में मिस हो गया है, हम उसको भी ध्यान से देखते हैं कि मंच पर एक ये नाट्य मर्यादा है कि मंच पर मिलन, शारीरिक मिलन नहीं दिखाया जाता। तो चूंकि दुष्यंत ने मान मनोबल तो किया है और शकुंतला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन मंच पर तो उसे नहीं दिखाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में कालिदास ने पुनः एक योजना की और एक नूतन चरित्र है गौतमी, उस गौतमी का प्रवेश वहां दिखाया जाता है, क्योंकि गौतमी को जब पता चलता है कि शकुंतला बीमार है तो वह भी कुछ उपचार की सामग्री लेकर के आती है वहां पर और शकुंतला को ढूंढते हुए आती है, तो जैसे ही शकुंतला को आवाज लगाती है तो दोनों ये अलग हो जाते हैं, दुष्यंत पुनः छिप जाता है और चलते चलते एक संकेत छोड़ती जाती है शकुंतला कि चक्रवाक बधु के बहाने कि पुनः हम लोग मिलेंगे, इस संकेत छोड़ के ये जाती है वहां शकुंतला। अस्तु, तो मैं गौतमी का भी प्रवेश है वहां पर और गौतमी का प्रवेश कह सकते हैं कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ और एक नाट्य मर्यादा की रक्षा के लिए एक बड़ा ही सार्थक प्रवेश है वहां गौतमी का, संक्षिप्त है लेकिन किंतु सार्थक है और प्रयोजन मूलक प्रवेश है वहां पर। हमने एक और टिप्पणी ली है, एक और विषय इसमें लिया है, नायक नायिका के प्रणय का विकास। देखिए नायक नायिका के प्रणय का विकास का यहां पर माध्यम यह है कि हम आप सभी जानते हैं कि प्रायशः प्रेम की कई अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं अवस्थाओं में एक अवस्था है मिलन, और मैंने जैसा बार बार कहा कि यह जो मिलन है वो मिलन केवल एक फ्रेम में बैठना मात्र नहीं है, यह कहीं ना कहीं शारीरिक मिलन की ओर संकेत देता है। तो जो अंकुरण प्रथम अंक में हुआ था, हम उसी का क्रमशः विकास हम तृतीय अंक में पाते हैं और तृतीय अंक में एक एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं कि दोनों के बीच जो है एक पूर्ण विश्वास कायम हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों अब पति पत्नी हो गए हैं। गांधर्व विवाह जो कि स्वीकृत विवाह है समाज में, संस्कृति में अभिमत विवाह है, और मैं पुनः पुनः संदेश इसके माध्यम से देना चाहता हूं कि यह जो प्रेम विवाह है यह प्रारंभ से हमारी सभ्यता के आदिकाल से हमारे सामने प्राप्त होता है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो वेद के बाद के जो परवर्ती साहित्य हो, उन सब में किसी ना किसी रूप में, सांकेतिक रूप में हमें प्रेम विवाह दिखता है। और जब जब प्रेम विवाह की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें वर्ण और जाति की उपेक्षा अवश्य होती है,
इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, महाकवि कालिदास भी इस पक्ष में हैं कि प्रेम में किसी भी प्रकार का कुल गोत्र आदि नहीं देखा जाना चाहिए। ये अलग पक्ष है कि उन्होंने दुष्यंत को सविशेष इस चीज के लिए कहा है, उसके मन में संदेह उत्पन्न किया है, लेकिन एक क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि उस संदेह को भूल करके भी दुष्यंत जो है शकुंतला से मिलन के लिए तत्पर है। एक टिप्पणी हम जरूर देखते हैं, जैसा मैंने अपने बार बार अपने विश्लेषण में कहा कि यह अंक रंगमंच पर प्रदर्शन के अनुरूप नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एडिटिंग के बाद हम इसे जरूर मंच पर प्रदर्शन के विषय बना लेते हैं, प्रदर्शन के अनुरूप ले लेते हैं, लेकिन अगर समग्रता की दृष्टि में देखें, जिस प्रकार संवाद हैं, जिस प्रकार की योजना है, उस दृष्टि से हम सांकेतिक रूप में जरूर इसे मंच पर दे सकते हैं, लेकिन पूर्णता की दृष्टि से यह पूरा का पूरा अंक समीक्षकों की दृष्टि में, नाट्य जो समीक्षक हैं, जो रंगमंचीय कलाकार हैं, हम उनकी दृष्टि से विश्लेषण यहाँ दे रहे हैं, वो वैसा अनुरूप नहीं है जैसा कि हम प्रथम और द्वितीय अंक को पाते हैं। दूसरी और प्रमुख बात, यह पारिवारिक मनोरंजन का विषय भी नहीं बनता, क्योंकि जिस प्रकार का इसमें महाकवि कालिदास ने एक स्थान हमारे सामने रखा है, जिस प्रकार हमारे लिए विषय वस्तु उपस्थित किया है, उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह पारिवारिक मनोरंजन का विषय नहीं है। लेकिन हमें तो पूरे नाटक के मध्य तृतीय अंक का विश्लेषण करना है, तो यह भी आवश्यक था। देखिए, बार बार मैं कहता रहा हूं कि साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए समाज में विद्यमान हर प्रकार की घटित अघटित चिंतित काल्पनिक विषयों का समावेश आवश्यक है, और इस दृष्टि से यदि महाकवि कालिदास ने दुष्यंत और शकुंतला का यहां मिलन दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं उस समाज के दर्पण की रक्षा की है, बल्कि समाज के उस दर्पण में और भी भव्य और नव्य चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। मिलन नहीं दोनों का दिखाया जाता तो शकुंतला के गर्भवती होने के ऊपर में एक प्रश्न चिन्ह बना रहता, इसलिए यहां यह आवश्यक था कि दोनों का शारीरिक मिलन दिखाया भले ही ना दिया गया हो, लेकिन संकेत अवश्य ही यहां पर हमारे लिए ग्राह्य है। तो इस रूप में द्वितीय और तृतीय अंक को अगर देखें तो नाटकीय घटना का जो विकास है उसके लिए दोनों की बड़ी अच्छी भूमिका है। हमने एक हल्का श्रृंगार देखा था प्रथम अंक, द्वितीय अंक में पूर्ण हास्य देखा और तृतीय अंक में पूर्ण श्रृंगार रस हम पाते हैं। मित्रों ध्यान रखेंगे, इसके बाद आगे के जितने भी अंक हैं उनमें श्रृंगार रस नहीं है। ये अलग विषय है कि पूरे के पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम को का अंगी रस श्रृंगार माना जाता है, लेकिन तृतीय अंक के बाद ही श्रृंगार रस का अवसान हो जाता है। चतुर्थ में करुण पाते हैं, पंचम में किसी न किसी प्रकार से उत्तेजना आदि है जहाँ पे श्रृंगार नहीं है, और छठे अंक में तो शांत रस है, तो इस सातवें अंक में शांत रस है। तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं तृतीय अंक जो है एक नयापन लिए हुए हैं, नूतनता लिए हुए हैं। आप इसे पढ़ें, और अगर इसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में हो, आप कभी भी किसी भी समय लाइव होकर के भी और टिप्पणी के माध्यम से भी मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः पुनः उमंग और उत्साह से युक्त होकर के इस नूतन संवत्सर का हम आप स्वागत करें। और इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र को, जिनके माध्यम से आज हमने अभिज्ञान शकुंतलम पर ये तीसरा व्याख्यान आप सभी के लिए आयोजित किया। मित्रों, जल्द ही इस लेक्चर को आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड किया जाएगा, हम यही चाहते हैं। इस लेक्चर के अलावा आप जो दो और लेक्चर्स यानी दो और व्याख्यान आप सभी के लिए YouTube पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देखें और उसके उपरांत मन में उठने वाले प्रश्नों को हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप संपर्क कर सकते हैं info.cec@nic.in पर। मित्रों, आप सभी के फीडबैक्स, आप सभी की प्रतिक्रियाएं हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, तो हम यही चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है आपके और हमारे बीच ये चलता रहे, आप यूं ही हमें इन लेक्चर्स को देखते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करते रहें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, और डॉक्टर पंकज मिश्रा एक बार आपको फिर से धन्यवाद।